पुनरुत्थान के बाद चौथे रविवार के रात में आप सबों का स्वागत है। और पुनरुत्थान के बाद चौथे रविवार के रात को हम मिलकर के प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि सप्ताह भर परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा, अपने घरों में रखा और फिर से अनुग्रह दिया है कि हम अपने घरों में रह करके आज की आराधना करें। सो आइए हम अपनी आराधना को प्रारंभ करते हुए पहले गीत में जाएंगे। गीत नंबर 26 आप अपनी अपनी गीत किताबों में से ये गीत निकाल सकते हैं, गीत नंबर 26। और इसके साथ हम आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। हमारे पापों के कारण मृत्यु हो गई है, हम पर दया
हमारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। ईस्टर के बाद चौथे रविवार के लिए ट्राइड एंड ट्राइड का पाठ हम सुन लेंगे जो गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 75 पर हमें मिलता है। गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 75 ईस्टर के बाद का चौथा रविवार। यहोवा का नया गीत गाओ क्योंकि उसने आशा कर्म किए हैं। यहोवा ने अपने किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। उन्होंने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की Bye.
हे परमेश्वर, तू विश्वासियों के विचारों को एकाग्र करता है। अपने लोगों को ये वर दे कि हम तेरी आज्ञाओं से प्रेम रखें और तेरी प्रतिज्ञाओं के अभिलाषी हों, कि इस संसार के अनेक परिवर्तनों के मध्य हमारे हृदय तेरी ओर लगे रहे, जहाँ की सच्चा आनंद प्राप्त होता है उसी यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुजीता और राज्य करता है। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ, इस वक्त हम सुन लेंगे जो हमें मिलता है यशायाह नबी किताब उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 7 पद तक। यशायाह नबी किताब उसका 5वां अध्याय और 1 से लेके 7 पद तक इसे हम सुनेंगे। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की एक की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूँगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूँगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूँगा, वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूँगा कि उस पर जल ना बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इसराइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री के पाठ को भी हम सुनेंगे। याकूब की पत्री उसका 1वां अध्याय 17 से लेके 21 पद तक। याकूब की पत्री उसका 1वां अध्याय 17 से लेके 21 पद तक। आज के दिन के लिए पत्री का पाठ हम सुनेंगे, याकूब 1:17-21। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आज के दिन के लिए यहाँ पर पत्री का पाठ समाप्त होता है। हम दूसरे नंबर गीत नंबर 714 मिलकर गाएंगे। गीत नंबर 714। Yes, I can be now.
आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 9 पद से लेके 17 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 9 पद से लेके 17 पद तक। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं और हम खड़े होकर आज के दिन के लिए ठहराए गए पवित्र सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि वह तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वह हमारा समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की है। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वह मेरे आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैंने संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्होंने पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम विश्वासी जन अपने विश्वास को पार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो स्वर्ग का हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारा अच्छा है और भला है, और इन लॉकडाउन के समय में भी हम अपने अपने घरों में रह करके परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। और आज का जो संदेश होगा, आज का जो वचन होगा, वो प्रभु के दास डॉक्टर जस्टिन मसीह के द्वारा से आप सभी लोग सुनेंगे। ये एक रिकॉर्डेड सर्मन है जो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है हमारी कलीसिया के लिए। मैंने उनसे विनती करा था कि क्यों ना एक संदेश आप हमारी कलीसिया के लिए दें, सो उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करा है और एक बड़ा सुंदर मैसेज आप सबों के लिए भेजा है। और इस गीत के बाद आप परमेश्वर के दास डॉक्टर जस्टिन मसीह के द्वारा से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आप उन्हें जानते हैं, 2017 में वो हमारे यहाँ कन्वेंशन स्पीकर होके आए थे, अच्छे प्रभु के दास है, प्रभु ने वचन का भेद दिया है। सो आज उनके द्वारा से ही आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे। वचन की तैयारी के लिए हम अपने अपने मनों को हृदय को तैयार करेंगे और गीत नंबर 476 गाएंगे, गीत नंबर 476 और इसके बाद आप परमेश्वर का वचन डॉक्टर जस्टिन मसीह के द्वारा से सुनेंगे। Yeah.
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को सलाम कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा में आपका जीवन गुजर बसर हो रहा होगा। विश्वासियों, आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में से एक बहुत खास बात साझा करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू शेयर विथ ऑल ऑफ अस समथिंग वेरी वेरी इसेंशियल फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन खोल लें, रोमियो की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय उसका 28 और 29 पद, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 एंड 29। ना मैं विश्वास करता हूं कि ये 28 और 29 पद में से 28वां पद हम सब लोग जानते हैं। यू नो वी ऑल ऑफ अस प्रोबेबली नो वर्स नंबर 28 और हम इसलिए जानते हैं विश्वासियों क्योंकि इसमें आपके और मेरे कुछ फायदे की बात लिखी है। और आमतौर से बाइबल में जहां जहां पर हमारे फायदे की बात होती है, जहां हमारे हमारे सफलता की बात होती है, हमारी सुरक्षा की बात होती है, वो हिस्से प्रायः हम जानते हैं। 28वें पद में लिखा है और हम जानते हैं, पौलुस कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। पौलुस कह रहा है परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए ये है कि सारी बातें मिलकर अंत में आपके लिए भलाई को पैदा करें। पॉल इज सेइंग दैट गॉड्स विल एंड गॉड्स डिजायर फॉर योर लाइफ इज दैट एवरीथिंग शुड वर्क आउट टुगेदर फॉर गुड। परमेश्वर विश्वासियों हमारा हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। यर्मिया नबी की पुस्तक उसके 29वें अध्याय और उसके 11वें पद में कलाम में यही लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता है वो तुम्हारी हानि नहीं वरन तुम्हारे लाभ के लिए है। फॉर दस सेज द लॉर्ड इन यर्मिया चैप्टर 29 वर्स 11, फॉर दस सेज द लॉर्ड दैट द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू आर प्लान्स टू प्रॉस्पर यू नॉट टू हार्म। परमेश्वर तो यही चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। विश्वासियों आप भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि हमारे जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करें। हम चाहते हैं हमारी हर प्रार्थना का उत्तर हमको मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमारा हर रोगी अच्छा हो जाए, हम चाहते हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमारे घर में कभी किसी बात की कमी और घटी न पाई जाए, हम चाहते हैं हमारे घरों से हर प्रकार का क्लेश, हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा संकट बैर भाव द्वेष ईर्ष्या सारी बातें दूर हो जाए, हमारे लिए हर बात भलाई की होने पाए। परमेश्वर भी यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। सवाल यह है फिर रुकावट क्या है? If this is God's desire for your life, that everything should be good, if this is what we want for our lives, that everything should be good, then the problem is, what is the barrier? What is the hindrance? गड़बड़ी कहां है? रुकावट कहां पर है? अगर आप इसी पद को फिर से पढ़ेंगे तो यहां पर एक शर्त लिखी है। There is a condition, my dear people, in this verse here. लिखा है और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके विषय में लिखा है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, और आगे लिखा है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया। एक प्रश्न है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और प्रश्न यह है, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं? इच्छा के अनुसार बुलाए होने का मतलब क्या आप उसकी इच्छा को पूरा करते हैं? Do you love the Lord? That's a very pertinent question I want to put before you. Do you love the Lord? Are you called according to His will and purpose? क्या आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं? क्या आप उसके प्रति आज्ञाकारी हैं? और ये दोनों बातें, प्रेम और आज्ञाकारिता, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मेरे साथियों। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों में अपने चेलों से कहा, यदि तुम उससे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। Jesus says to his disciples in the Gospels, and if you read there, you will find it. Jesus said to his disciples, if you love me, you will obey me. These are two sides of the same coin, my dear people. हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी बात सुनते हैं, हम जिनसे प्यार करते हैं उनके प्रति आज्ञाकारी होते हैं। आज यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में हर प्रकार की भलाई उत्पन्न हो, हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में हर प्रकार की भलाई उत्पन्न हो, लेकिन एक शर्त है जिसको पूरा करने की आवश्यकता है। There is a premise to a promise. जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो जहां जहां पर परमेश्वर के वायदे हैं
और परमेश्वर के वायदों के विषय में बाइबल में लिखा है कि वो अपने वायदों को हां और आमीन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। गॉड फुलफिल्स हिज प्रोमिसेस इन यस एंड आमीन। जो उसने वायदा किया है वो उसको पूरा भी करेगा। व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड ही विल फुलफिल, दैट इज गॉड्स प्रॉमिस टू यू, दैट हिज प्रॉमिसेस विल बी ऑलवेज बी फुलफिल्ड इन यस एंड आमीन। बट व्हेरेवर यू रीड इन द बाइबल प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड ऑलवेज हैव अ प्रीटेक्स्ट। जहां कहीं परमेश्वर के वायदे हैं, उसकी वाचा है, वहां पर एक शर्त विधि हुई है। और परमेश्वर वचन कहता है यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसा करेगा। There is a pretext to a promise. There is a premise to a promise. If we want the promise to be fulfilled, we have to fulfill the premise to the promise. यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वो वायदा हमारे जीवन में पूरा हो, तो हमें उस वायदे की पूर्ति के लिए जो शर्त लिखी है उसको हमें पूरा करना होगा। भजन 23 हम सब लोग जानते हैं। भजन 23 का पहला पद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। ये दाऊद का भजन है। और फिर उसके बाद तमाम बातें 6 पदों में दाऊद तमाम बातों को कहता है, और जितनी बातें दाऊद कहता है वो सारे परमेश्वर के वायदे ही हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त में वो मेरी अगुवाई करता है, वो मेरे लिए शत्रुओं के समक्ष मेज बिछाता है, वो मेरे सिर पर तेल उंडेलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये सारे वायदे हैं परमेश्वर के जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है। लेकिन आपको मालूम है इससे पहले कि ये वायदे पूरे हों, पहले ही पद में एक शर्त लिखी है। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। माय डियर पीपल, इफ द लॉर्ड इज योर शेपर्ड, then the promises mentioned in Psalm 23 are for you and will be fulfilled in your life in yes and amen. यदि यहोवा आपका चरवाहा है तब भजन 23 के जो वायदे परमेश्वर ने किए हैं वो आपके जीवन में हां और आमीन में वो पूरा करेगा। लेकिन यदि हमारे जीवन का चरवाहा यहोवा परमेश्वर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं वो वायदे आपके लिए नहीं है। देयर इज अ प्रेमिस टू अ प्रॉमिस, शर्त है वायदों की पूर्ति के पहले। और यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे हों, अवश्य है विश्वासियों कि उस शर्त को हम पूरा करें। रोमियो 8:28 में लिखा है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये शर्त है, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए। और पौलुस इस बात को फिर से दबाव के साथ कह रहा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए, अर्थात उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, अर्थात परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस दिन मैं आपको इसी बात के साथ उत्साहित करना चाहता हूं, आपको चुनौती भी देना चाहता हूं और आपके सामने इस प्रश्न को रखना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं? हम चाहते हैं कि परमेश्वर का यह वायदा हमारे जीवन में पूरा हो कि सब कुछ के होने के बाद अंत में हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न हो। परमेश्वर भी यही चाहता है, लेकिन एक शर्त है जिसको आपको और मुझे पूरा करने की आवश्यकता है। क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं? डू वी लव द लॉर्ड एंड आर वी कॉल्ड एंड लिविंग अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड पर्पस फॉर आवर लाइव्स। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वचन आपको अवश्य ही अपने जीवन का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करे। Today's word, my dear people, I hope will give you an opportunity to introspect in your own lives. Do you love the Lord? And are you living your life in the will and purpose of God? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए? आइए हम इसका 29वां पद देखें, रोमियो 8 और उसका 29वां पद। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है वो यहां पर परमेश्वर साफ तौर से पौलुस के जरिए से हम तक पहुंचाना चाहता है। कह रहा है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें किसने? परमेश्वर ने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर की विश्वासियों, आपके और मेरे जीवन के लिए इच्छा यह है
कि हम उसके पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और उसकी समानता में तब्दील हो जाए। क्यों? ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। इंग्लिश में लिखा है, फॉर गॉड्स डिजायर फॉर आवर लाइव्स इज दैट वी रिजेंबल जीसस क्राइस्ट सो दैट ही बिकम्स द फर्स्ट अमंग मेनी ब्रदरन। परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन के लिए विश्वास में यह इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में तब्दील हो जाए। बहुधा आपको मुझे यह लगता है कि शायद परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं। हमें यह लगता है परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं एक नर्स बन जाऊं, या मैं टीचर बन जाऊं, या इंजीनियर बन जाऊं, या मैं किसी ऑफिस में काम करने, या मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लूं, या मैं वकील बन जाऊं, या शायद पासवान बन जाऊं, या बिशप बन जाऊं। बहुत हमको ये लगता है कि ये परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए इच्छा ये है। लेकिन मैं आपको विश्वास में आज की सुबह बताना चाहता हूं, और ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये खुदा के कलाम में से कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन से कह रहा हूं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये तो वो काम है जो परमेश्वर ने आपको 30 साल, 35 साल या 40 साल के लिए दिया है, ताकि आप उस काम को करें बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन के साथ, बड़ी ईमानदारी, बड़ी वफादारी से करें और पैसा अर्जित करें, ताकि आप अपने परिवार का भलन पोषण कर सके। यू नो, मेनी अ टाइम्स वी फील दैट गॉड्स डिजायर प्रॉब्ली फॉर आवर लाइव्स इज दैट आई बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और अ टीचर और अ पॉलिटिशियन, यू नो, और अ पास्टर और अ बिशप। बट माय डियर पीपल, लेट मी टेल यू दिस मॉर्निंग, दैट इज नॉट गॉड्स डिजायर फॉर योर लाइफ। दैट इज द वर्क दैट गॉड हैज गिवन टू यू फॉर 30, 40, 45, 50 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, सो दैट यू कैन डू दैट वर्क with diligently, honestly, intelligently, through your work, bring glory to the name of Jesus, and get an income to raise your family. परमेश्वर ने वो काम आपको दिया है ताकि आप उस काम को ईमानदारी से करें, ताकि आपके काम को करने के द्वारा परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो सके, महिमा हो सके। लेकिन वो परमेश्वर की योजना नहीं है। That is not God's desire. God's desire, my dear people, clearly mentioned over here in Romans 8:29. परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर ने साफ जाहिर कर दिया, परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की समानता में तब्दील हो जाए। God's desire for us is not to do something but be someone. परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन के लिए इच्छा किसी काम को करने के संदर्भ में नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के स्वरूप में तब्दील हो जाने के संबंध में है। और वो चाहता है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखने लगे। हमारी बोलचाल, हमारे हाव भाव, हमारा शब्द, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं प्रभु यीशु मसीह की तरह हो जाए। मैं कभी कभी सोचता हूं, इसमें क्या बुराई है? हम कहते हैं, हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हुए कहते हैं, हे हमारे पिता। किसको संबोधित कर रहे हैं? परमेश्वर को जो स्वर्ग में है। सो जब हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, अर्थात परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है, तो परमेश्वर जो हमारा पिता है वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि उसके बच्चे उसके पुत्र की तरह दिखने लगे। वी प्रे एवरी डे, गॉड आवर हेवनली फादर। So what is the problem if the father wants all his children to resemble his son? मैं कभी कभी सोचता हूं, यदि कोई मुझसे आकर कहे कि जस्टिन भाई, आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, तो मुझे कैसा महसूस होगा? वेल, अगर कोई मुझसे आकर के कहे कि जस्टिन भाई, आपका बेटा आपकी तरह दिखता है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और होना भी चाहिए, मेरा बेटा है, मेरी तरह नहीं दिखेगा तो किसकी तरह दिखेगा? दिखना चाहिए, उसके हाव भाव में, उसके आचरण में, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स में, उसके उठने बैठने में, उसके कपड़े पहनने में, उसकी बोलचाल में, उसकी स्माइल में, अगर मेरा बेटा मेरी तरह दिखता है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। सो जब हम पृथ्वी पर के माता पिता होने के नाते चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी तरह दिखने लगे, तो अगर हमारा स्वर्गीय पिता यही चाहता है कि उसकी संतान उसके बेटे यीशु की तरह दिखने लगे, उसमें क्या बुराई है? और यही परमेश्वर की योजना और इच्छा है आपके जीवन के लिए। गॉड द फादर वॉन्ट्स हिज चिल्ड्रन, यू एंड मी, टू रिजेंबल हिज सन जीसस। क्यों? ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। इसमें बहने शामिल है, बहुत बच्चों में कह लीजिए पहलौठा ठहरे। सो दैट ही स्टैंड्स फर्स्ट among many brethren,
many sisters, many children. So God's desire is that you resemble Jesus. So परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है कि आप उसके बेटे यीशु की तरह दिखने लगे. So let me repeat this once again. जो काम आपके पास है, जो नौकरी आपके पास में है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो कार्य है जो आपको कुछ वर्षों के लिए करना है. और प्रभु चाहते हैं कि आप उस काम को बड़ी वफादारी से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी लगन से करें, ताकि यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसके नाम की तारीफ हो सके. लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखने लगे. याद रखिएगा, अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति की बात करें जो डॉक्टर है, तो 20-22 साल की उम्र में मान लीजिए उसने MBBS कंप्लीट किया, तो वो 20-22 साल से लेकर के और करीब 70-75 साल तक डॉक्टर है. क्या 20-22 साल से पहले उसके जीवन के लिए परमेश्वर की कोई योजना नहीं थी? क्योंकि वो डॉक्टर तो नहीं था 20-22 साल से पहले. ना 75 साल के बाद वो व्यक्ति इस लायक बचेगा कि एक्टिव मेडिसिन प्रैक्टिस कर सके, डॉक्टरी कर सके. तो क्या 75 साल के बाद परमेश्वर की कोई योजना और कोई इच्छा नहीं है उस व्यक्ति के जीवन के लिए? क्या परमेश्वर की योजना इच्छा इसी 20 साल से 70-75 साल की उम्र के बीच के लिए ही केवल है? क्या 20 साल से पहले आपके और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की कोई योजना नहीं है? क्या 75 साल के बाद परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए कोई योजना नहीं है? अवश्य है. यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि परमेश्वर ने हमें एक काम दिया है 40-50 साल के लिए जो आपको मुझे करना है. वो उसकी योजना नहीं है. याद रखिएगा, परमेश्वर की योजना आपके मां के गर्भ में आने के दिन से अपनी अंतिम सांस लेने तक की होती है. गॉड्स डिजायर एंड प्लान फॉर योर लाइफ इज फ्रॉम द डे यू आर कंसीव्ड इन योर मदर्स वूम टिल द लास्ट डे यू ब्रीद ऑन द अर्थ. And then he has plan that you go with him and be with him in heaven. आपके देह अंत के बाद परमेश्वर आपके जीवन के लिए योजना बनाया है कि आप उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में रहा करें. So God's desire is for from the day you are conceived, जिस दिन आप अपनी मां के गर्भ में आए, तब से लेकर के अनंत काल के लिए परमेश्वर की योजना और इच्छा आपके जीवन के लिए है. और वो क्या है? कि आप उसके बेटे यीशु की तरह दिखने. आप बचपन में आपका हाव भाव, आपका आचरण, आपका व्यवहार प्रभु यीशु की तरह हो सकता है. और 70-75-80 वर्ष के बाद भी जब आप अपने कार्य से सेवानिवृत्त हो जाएं, जब रिटायर हो जाएं, उसके बाद भी आपका हाव भाव, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपके शब्द यीशु की तरह हो सकते हैं. इसीलिए मैं कह रहा हूं परमेश्वर की योजना और इच्छा उन 40-50 सालों के लिए नहीं है. वो तो काम है जो प्रभु ने आपको दिया है. परमेश्वर की योजना आपके पूरे जीवन काल के लिए, और वो योजना ये है कि आप यीशु की तरह दिखने लगे. ना सवाल ये उठता है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखना चाहते हैं, पौलुस भी यही कह रहा है, परमेश्वर की इच्छा भी आपके मेरे जीवन के लिए यही है, तो हमें मालूम तो होना चाहिए कि यीशु कैसा दिखता है, ताकि हम उसकी तरह परिवर्तित हो सके. If we want to resemble Jesus Christ, if we want to be transformed into his likeness, then first of all, we ought to know what Jesus looks like. पहले हमें यह तो मालूम हो कि यीशु मसीह कैसा दिखता है. जब हमें यह मालूम हो जाएगा कि प्रभु यीशु कैसा दिखता है, तब हम उसकी तरह बनने का प्रयास कर सकते हैं. और पौलुस ही जब गलतियों की कलीसिया को पत्र लिखता है, तो पत्र लिखते हुए इस बात को साफ कहता है. मैं आपको बता रहा हूं, गलतियों की पुस्तक उसका 5:22-23 पद में प्रभु यीशु मसीह के गुणों का जिक्र किया गया है. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीसस हैव बीन मेंशन्ड इन गैलेशियंस चैप्टर 5:22-23, खासतौर से 22 और 23 पद. ये दोनों पद हैं जहां प्रभु यीशु मसीह के चरित्र का जिक्र किया गया है. इस विश्वासी इस बात को समझना जरूरी है, जब परमेश्वर अपने वचन में हमसे यह कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखने लगे, तो वो शारीरिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहा है. गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, गॉड इज टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस ऑफ आवर लाइफ इनटू द लाइकनेस ऑफ जीसस. हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो जाए. तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था, उसके गुण कैसे थे, उसका चरित्र कैसा था, पौलुस लिखता है गलतियों 5:22-23 में, कहता है पर आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल, द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और
संयम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये है प्रभु यीशु मसीह के गुण, ये है प्रभु यीशु मसीह का चरित्र। और यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखना चाहते हैं, उसकी समानता में परिवर्तित होना चाहते हैं, तो हमारे जीवनों में भी कृपा, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम का होना जरूरी है। जब ये पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में आ जाएंगे, जब इन्हें हम आत्मसात कर लेंगे, जब इनके अनुसार हम जीवन जीने लगेंगे, तब हम, पौलुस कहता है, अंश अंश करके यीशु की समानता में तब्दील हो जाएंगे। देन वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लाइकनेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विश्वासियों, आज की सुबह यही प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं? और उसकी इच्छा यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखने लगे और प्रभु यीशु मसीह के गुण, उसका चरित्र, उसका जीवन हमें गलतियों 5:22-23 में मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की सुबह यही प्रश्न और यही चुनौती मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, डू यू वॉन्ट टू रिजेंबल जीसस? इफ यू वॉन्ट टू रिजेंबल जीसस, यू हैव टू लिव बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के आत्मा के अनुरूप अपना जीवन जीना होगा, ताकि परमेश्वर की आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखने लगे और तब हम प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखने पाएंगे। एक अंतिम बात कह के आज के संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, आपके चर्च में जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सब प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखने लगे। पासवान साहब, पास्ट्रेट कमिटी के सारे लोग, चर्च के सारे सदस्य, जितने लोग आराधनालय में बैठे हैं, अगर आप सब प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखने लगे, और अगर एक गैर विश्वासी व्यक्ति कलीसिया के अंदर चर्च में दाखिल हो, तो उससे उसकी मुलाकात किससे होगी? यदि आप सब प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखने लगे और एक गैर विश्वासी, एक अन्य विश्वास का व्यक्ति, भाई या बहन कोई चर्च में दाखिल हो, प्रवेश करें, तो उस व्यक्ति की मुलाकात चर्च में किससे होगी? यीशु से होगी, आपसे नहीं। He will meet Jesus, she will meet Jesus। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे भाई बहनों, इस संसार के लोगों की शायद प्रभु यीशु मसीह से कभी व्यक्तिगत मुंह दर मुंह मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन जानते हैं आपसे उनकी मुलाकात रोज होती है। They may not be able to see Jesus ever in their lifetime, but they are seeing you every day। वो आपको रोज देखते हैं, आपके शब्दों को रोज सुनते हैं, आपके आचरण को रोज देखते हैं, आपके हाव भाव को रोज देखते हैं, आपकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को रोज देखते हैं, आपके शब्दों को रोज सुनते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मैं प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं, जब लोग आपको देखते हैं, क्या आप में यीशु दिखाई देता है? परमेश्वर की यही इच्छा है कि जब लोग आपको देखें तो प्रभु यीशु मसीह दिखने लगे। दिस इज गॉड्स डिजायर फॉर योर लाइफ। और मेरी प्रार्थना, मेरी कामना विश्वासियों यही है कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप और मुझ पर यह अनुग्रह करे कि हम अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह की समानता में तब्दील हो जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं रेवरेंड जयंत का और समस्त पास्टर कमेटी का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया कि इस वीडियो के जरिए से परमेश्वर के वचन की सामर्थ को और उसके प्रभाव को मैं आप तक पहुंचा सकूं। मैं आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की आशीष आप सबों के जीवन पर हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु के दास मसीह का। इन्होंने बड़ा सुंदर वचन आज हमारे कलीसिया के लिए रखा है। प्रभु उनको, उनके परिवार को और उनकी सेवकाई को बहुत ऐसे आशीष दे। सूचना है कि हमारे कलीसिया के जो लोग हैं, जो सेंट पॉल या सागर के जितने भी सदस्य हैं, आप सबों से निवेदन है कि जब आप अपने अपने घरों में रह करके आराधना कर रहे हैं, मैंने कहा था कि हर रविवार हम आप दान लेंगे और आज की भी आराधना में दान दिया जाएगा। जब दान का गीत गाया जाता है, आप अपने अपने दानों को अपने अपने घरों में रख सकते हैं लिफाफे में, और आप जब भी परमेश्वर के भवन में आए आप दान को डाल सकते हैं, या आप मुस्तक और हमारे ट्रेजरर मिस्टर बी के रेसेंडर तक को दान पहुँचा सकते हैं। उसी बात जो लोग अपना मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं या विशेष दान आप देना चाहते हैं, तो आप लोगों से निवेदन है, मेरे पास रसीद है, मिस्टर बी के रेसेंडर के पास रसीद है, आप हम दोनों में से किसी के पास भी आ करके या जा करके
आप अपने अपने मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन को या जो महावारी दान है आप उसे भी हमें दे सकते हैं और उसकी रसीद आपको दे दी जाएगी। सो ये सूचना है, प्रभु आप सबको आशीष दे। हम मिलकर के एक साथ ऑफ्टरी गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान और इसी गीत के दौरान आज का दान दिया जाएगा। गीत नंबर 745। Thank you.
हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब वस्तुओं के कर्ता और रक्षक, हम तुझको पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर कृपा कर और हमारे पापों को स्मरण ना कर। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको पवित्र कर और पवित्र चाल चलने का अनुग्रह दे। अपने वचन और पवित्र सैक्रमेंटों के द्वारा सब मसीहों को एकत्र कर, सजग कर और पाल। हे प्रभु, उन सब लोगों पर जो अब तक अज्ञानता और मृत्यु के अंधकार में हैं, दया कर और अपने मुक्तिदायक अनुग्रह को प्रकाश और जीवन के साथ सुसमाचार के द्वारा उन पर उदय होने दे और अपने वचन के प्रचारकों को अपनी सामर्थ और साहस से शरण कर। उनको जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, अपने अनुसार संभाल। विश्व की कलीसिया, उसके सब मंडलियों और सब पास्टर को आशीष दे। हे परमेश्वर, सब जातिगणों में से आपसी अविश्वास और वैभव को निकाल के पृथ्वी पर शांति का वास हो। हमारी मातृभूमि की रक्षा कर। हमारे प्रिय राष्ट्रपति को आशीष दे। हमारे देश में अच्छे शासन और उसकी रक्षा के लिए हमारी सरकार और सब विश्वास अधिकारियों की और समस्त सेना की सहायता कर। न्याय और धार्मिकता को प्रबल कर और हमें तेरे नाम का भय मानने वाला बना। हे परमेश्वर, हमें अपने अपने उचित कार्यों में हर्ष दे और ऐसा कर कि हमें दूसरे की सेवा और सहायता करने में तत्पर हो। अपनी आशीष भूमि की उपज पर और सारे उचित धंधों और पदों पर रहने दे। हे परमेश्वर, हमारे सब परिवारों को आशीष दे और ये वर दे कि हमारे बालक और जवान सच्चाई और तेरे भय में आगे बढ़ते जाएँ। कृपा करके सब परिवारों और अनाथों का सहायक और सब असाधुखियों का शांतिदाता हो। सब रोगियों और मृतकों को शांति दे। जब हमारे मृत्यु समीप हो, तब हमें अपनी सामर्थ्य संभाल और इस नाशवान जीवन के पश्चात आनंद परम सुख दे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है, हमारे दिन की रोटी आज हमें दे और ऐसे हमें अपराध छुटी कर, ऐसे हमारे अपराध को क्षमा कर और हमारे शिक्षा में ना मृत्यु बुराई से बचा, विराज पाकर हम सदा रहे। आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 373 और इसी के साथ हम आज का राग Krishna, 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 Krishna,
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आप सबों को जय मसीह की।